बीमारियों को, किडनी में जैसे कैंसर हो गया, स्टोन हो गया, या किसी भी कारण से चोट लग गया, ट्रॉमा हो गया, यूरेटर किडनी की जो नली होती है उसे यूरेटर कहा जाता है, उसमें स्टोन हो गया, पेशाब की थैली में स्टोन हो गया, पेशाब की थैली में ट्यूमर हो गया, इन सारी बीमारियों का इलाज हमारे पेशाब की थैली की, प्रोस्टेट की, पेशाब की रास्ते की, किडनी की, सब बीमारियों के इलाज जो है इंडोस्कोप लेज़र के द्वारा। एक सवाल, किडनी की समस्या से लोग परेशान होते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों की किडनी ख़त्म हो जाती है और उन्हें पता तक नहीं चल पाता है, या फिर स्टोन है, फिर दर्द हुआ, या फिर कुछ महसूस होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। सिम्टम क्या होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि कई सारी बीमारियों के बैठा हुआ है कि पटना जाइएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, गोरखपुर के तरफ बढ़िए तो आगे लखनऊ है और दिल्ली है, ऐसे सोच करके लोग सिवान छोड़ करके चले जाते हैं। क्या सिवान में ये सभी व्यवस्थाएँ जो आप दे रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, ये उन सब जगहों से हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में पहले से डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं, उन्हीं का हॉस्पिटल है और वहाँ डॉक्टर साहब भी सेवा दे रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं, इमरजेंसी सुविधाएं क्या कुछ है? आप BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आदाब, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप, मेरा नाम फहीम खान है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं। सिवान में अलग अलग जो डॉक्टर हैं उन लोगों का हम बाइट भी लेते हैं, इंटरव्यू भी रहता है और समस्याएं जो होती हैं उन समस्याओं पे भी लोगों से बातचीत होती है। लगातार मौसम बदलता है, उस पर भी डॉक्टरों से बात, और आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान सरवर साहब हैं जो भारत हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं और यूरोलॉजिस्ट हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया तक। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान सरवर है, मैंने MBBS किया है, उसके बाद MS किया है, उसके बाद DNB यूरोलॉजी की डिग्री ली है। मैं सिवान में एज ए यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया हूँ भारत हॉस्पिटल में। मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बट लोग अभी जान नहीं रहे हैं और यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस किस बीमारियों का इलाज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किडनी की बीमारियों को, किडनी में जैसे कैंसर हो गया, स्टोन हो गया, या किसी भी कारण से चोट लग गया, ट्रॉमा हो गया, यूरेटर किडनी की जो नली होती है उसे यूरेटर कहा जाता है, उसमें स्टोन हो गया, पेशाब की थैली में स्टोन हो गया, पेशाब की थैली में ट्यूमर हो गया, इन सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास उपलब्ध है। इन बीमारियों में जो पहले जो ऑपरेशन होता था वो चीरे लगा के होता था, जिसमें मरीजों को अस्पताल में ज़्यादा दिनों तक भर्ती रहना पड़ता था, मरीजों को तकलीफ भी ज़्यादा होती थी, ब्लड लॉस भी ज़्यादा होता था। अब ये जो बीमारियों की इलाज जो है, जैसे कि पेशाब की थैली की, प्रोस्टेट की, पेशाब की रास्ते की, किडनी की, सब बीमारियों के इलाज जो है इंडोस्कोप लेज़र के द्वारा उपलब्ध है, जो कि यहाँ पर सिवान में ये इलाज पहले बहुत कम ही लोग कर पाते थे। अभी लोग अगर जो करते भी हैं तो उनका क्या तरीका है मुझे नहीं पता है, और लेकिन मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट इसकी ही पढ़ाई किया हूँ, किडनी की, पेशाब की थैली की, यूरेटर की और प्रोस्टेट की, इन बीमारियों का इलाज मैं किन किन विधि से किया जाता है और क्या क्या सही इलाज का तरीका है वो सब मैंने पढ़ाई की है, और मैंने इसकी पढ़ाई पुणे से किया है और मैंने MBBS जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है। सर, एक सवाल, किडनी की समस्या से लोग परेशान होते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि लोगों की किडनी ख़त्म हो जाती है और उन्हें पता तक नहीं चल पाता है, या फिर स्टोन है, फिर दर्द हुआ, या फिर कुछ महसूस होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। सिम्टम क्या होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि कई सारी बीमारियों का आपने नाम बताया, सिम्टम क्या होता है इसका? किडनी में अगर स्टोन होता है तो मरीज को दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, पेशाब में ब्लड आ सकता है, पेशाब में जलन भी हो सकती है। ये किडनी ख़राब होने का तो एक तो सही समय पर सही इलाज ना होना, और कभी कभी क्या होता है मरीज़ जानते हुए भी अपनी बीमारियों को इग्नोर करते चले जाते हैं लंबे समय के लिए, जिनके वजह से उनकी किडनी ख़राब हो जाती है और डॉक्टर की जो सलाह दी जाती है उसको नहीं फॉलो करते हैं, दूसरे विभाग में चले जाते हैं दिखाने, जैसे होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, या जो भी जिनका पता नहीं कि क्या सही इलाज है, फिर भी वो चले जाते हैं, इन कारणों से किडनी की समस्या आती है। देखिए, सिवान में इन तमाम जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, क्या ये रेट में भी कुछ फ़र्क आता है क्या, क्योंकि इन सब समस्याओं से लोग जो लोग जूझ रहे हैं या फिर परेशान होते हैं वो या तो रुख करते हैं गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, या फिर पटना के तरफ रुख करते हैं, और लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि पटना जाइएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा,
गोरखपुर के तरफ बढ़िए तो आगे लखनऊ है और दिल्ली है, ऐसे सोच करके लोग सिवान छोड़ करके चले जाते हैं। क्या सिवान में ये सभी व्यवस्थाएं जो आप दे रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, ये उन सब जगहों से बेहतर है क्या? उन सब जगहों से बेहतर होगा और कम रेट भी होगा, इसलिए कि यहाँ पे हर तरह के मरीज़ आते हैं और बाहर में जो है पटना है, गोरखपुर है, वहाँ पे मरीज़ का कंडीशन नहीं देखा जाता है, बस बीमारी देखी जाती है और हर किसी को एक ही इलाज बताया जाता है। यहाँ पे हम लोग मरीज़ देख के किस मरीज़ के लिए कौन सा इलाज बेहतर है, कौन सा इलाज अफोर्ड कर पाएगा, उसके साथ ही साथ मरीज के पास पैसा है नहीं है उससे मतलब नहीं, इलाज किया जाता है पहले मरीज़ को देखा जाता है। गरीब लोगों के लिए क्या कुछ छूट वगैरह भी आता है? जी जी ज़रूर ज़रूर छूट है, मरीज़ को देखकर ही जो पैसे के बारे में बताया जाता है, वो मरीज़ का कंडीशन देख के और मरीज़ कितना अफोर्ड कर सकता है, मरीज़ इस ट्रीटमेंट को ले सकता है कि नहीं, अगर नहीं भी लेने लायक है फिर भी अगर इमरजेंसी उसको जान बचाने की अगर नौबत है तो हम उसके इलाज देते हैं पैसा का परवाह किए बिना, कि जो अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। भारत हॉस्पिटल में आप बैठ रहे हैं, सिवान का ये बिंदुसार गांव पड़ता है, हुसैनी मोड़ पे ये डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर फैजान सरवर साहब ये हुसैनी मोड़ पर बैठ रहे हैं और इस ये अस्पताल जो है भारत हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में पहले से डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हैं, उन्हीं का हॉस्पिटल है और वहाँ डॉक्टर साहब भी सेवा दे रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं, इमरजेंसी सुविधाएं क्या कुछ है आपके यहाँ? यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हैं, बट OPD की जो टाइमिंग है वो 10-5 टाइमिंग है, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल। सिवान के लोगों से क्या कहेंगे सरवर साहब? सिवान से लोगों से यही कहेंगे कि अपने बीमारी को पहचानें और सही जो डॉक्टर हैं उस बीमारी के हिसाब से उस डॉक्टर के पास इलाज करें, चाहे जो भी डॉक्टर हो। हाँ, ये नहीं कि आपको बीमारी कुछ भी हो और किसी भी डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो ये लोगों को जागरूकता ज़रूरी चीज़ है। चलिए, तो हमारे साथ भारत हॉस्पिटल सिवान में बैठ रहे हैं डॉक्टर फैजान सरवर साहब बातचीत कर रहे थे और इन्होंने कई सारी समस्याएं जो है लोगों में आम तौर में किडनी में स्टोन, दर्द होना, पेशाब की नली में स्टोन हो जाना या फिर पेशाब करते वक्त दर्द होना, पेट में दर्द और कई सारी समस्याएँ हैं। इनका प्रिस्क्रिप्शन है, स्क्रीन पर आप जो प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं उसमें नीचे में कई सारी समस्याएँ दी गई हैं, उन तमाम समस्याओं से जुड़ी अगर आपको कोई परेशानी है या फिर सिम्टम आपको नज़र आ रहे हैं तो बेझिझक आप सिवान के बिंदुसार में आ सकते हैं। बिंदुसार के हुसैनी मोड़ पे भारत हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर फैजान साहब जो हैं वो अब अपनी सेवा दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इनसे कॉल पे अगर आप नंबर लगाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर कॉल करके आप नंबर लगा सकते हैं या फिर इनके सेंटर पर आकर के आप नंबर लगा सकते हैं और इनसे दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।